जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हैं, इसमें ये फोटो है महेश भट्ट का, ठीक है। महेश भट्ट का ये फोटो आप देखिए, इसके खड़े होने का स्टाइल देखिए। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे ये कारण है कि मेरा अभी तक मैंने जितना सुशांत सिंह के बारे में देखा है और जितना मतलब उसके बारे में जानना चाहा है कि क्या हुआ होगा उसके साथ, तो मुझे पता चला है कि इसके मर्डर में रिया चक्रवर्ती का भी हाथ है। रिया चक्रवर्ती, मैं मुंबई पुलिस से सिर्फ ये मांग करता हूँ कि एक बार प्लीज उसका, रिया चक्रवर्ती का नाको टेस्ट हो, ठीक है। अब मैं प्रूफ क्या दूंगा आपको कि ये रिया चक्रवर्ती ने कैसे मारा है, कैसे ये लोग ने मिलके सुशांत सिंह राजपूत को मारा है, ये आप इसमें देखिए कि रिया चक्रवर्ती कैसे एक स्पाई की तरह उसको उस जाल में फंसाया गया, ठीक है। और वो जो एक बात आपको पता है, जब वो अभी कुछ दिन पहले ये बात आ रहा था कि उसको अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये 100% सही बात है। और जो लोग बंगाल को जानते होंगे उनको पता है कि ये सब बंगाल में बहुत होता है। कुछ लोग हंसेंगे भी इस बात को, क्योंकि उनको लगेगा कि क्या फालतू बोल रहा है, लेकिन भाई जिस पे पड़ता है और जिसके साथ हो चुका है वही ये बात जान सकता है, क्योंकि नहीं मानने वाले तो भगवान को भी नहीं मानते और भूत को भी नहीं मानते। और 2016 से पहले मैं भी ये सब चीज़ नहीं मानता था, ठीक है। तो पहले मैं प्रूफ देता हूँ कि ये कैसे, देखिए इसके साथ ये आदमी खड़ा है, इसकी पत्नी है ये जो सामने इसके पास में जो खड़ा है, और इसका हाथ और इसका स्ट्रक्चर देखिए कितना सभ्य इंसान की तरह खड़ा है, ठीक है। आगे फोटो देखते हैं, ये है, ठीक है, इनकी पत्नी है ये, और ये इनके बच्चे, उनके फैमिली के मेम्बर है, ठीक है। ये भी, ये इनके पास में खड़ी इनकी बेटी, ये पत्नी, ये सब लोग हैं। और इसके खड़े होने का स्टाइल, इसके हाथ जैसे इसने रखा है, ये देखिए कैसा हाथ रखा है, पत्नी ने पकड़ रखा है लेकिन इसने नहीं पकड़ा है पत्नी का हाथ या बेटी का हाथ, देखिए कहाँ पे क्या हो रहा है। अब ये आइए फोटो पे, ये फोटो को आप देखिए, ये है रिया चक्रवर्ती। अगर इस फोटो को देख के भी आपको अगर लग रहा है, 1% भी आपको लग रहा है चांस कि नहीं ये आदमी ने इस लड़की के थ्रू सुशांत सिंह का मर्डर नहीं कराया है, तो आप जो भी कहेंगे। और इसके पकड़ने का स्टाइल देखिए, ये जो हाथ है यहाँ पे, आज तक आपने किसी के साथ बैठ के ऐसे फोटो खिंचाया है, कोई भी लड़की, ये क्या है ये, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता। और सुशांत सिंह राजपूत ने को जिस तरह से ये लोग ने मर्डर किया है, माय गॉड। अब देखिए ये फोटो, ठीक है, इसका ये देखिए क्या बोलेंगे आप। और इस लड़की ने, ठीक है, ये कोलकाता की लड़की है, बंगाल की, और इसने तंत्र विद्या से, और जो लोग को ये बिलीव नहीं है भाई मेरे, जिसको लग रहा हो कि ये झूठ बात है, वो बंगाल में आके देख लेना। ऐसे ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे ऐसे लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है ये चीज़। और 2016 से पहले मैं भी ये चीज़ नहीं मानता था भाई मेरे, लेकिन ये मैं कोई बड़ा यूट्यूबर या कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, मैं वीडियो बनाता, लेकिन ये सच्चाई। और पुलिस को, मैं मुंबई पुलिस से अगर ये वीडियो कहीं पहुंच जाए वहां तक, तो मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि इस एक बार इस रिया चक्रवर्ती का नाको टेस्ट हो प्लीज। दूध का और पानी का पानी 1 सेकेंड में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये लड़की ने पूरा गेम खेला है, ठीक है। इस लड़की को ये लोग ने हायर किया है, इसको मूवी, इसको जलेबी मूवी मिला है, मतलब इसको क्या क्या नहीं मिला होगा। और इसको ये सब करने में, मतलब मैं क्या बोलूँ, अगर सही से पुलिस सीबीआई जांच करे तो ये सुशांत सिंह ने मर्डर नहीं बल्कि उसको जबरदस्ती फांसी पे चढ़ाया गया है। वो कभी मर्डर, क्योंकि एक चीज पे और बता दूं, उन लोगों को पता था कि अगर सुशांत सिंह को फिल्म नहीं मिलेगा, कोई काम नहीं मिलेगा, तो वो कुछ भी नहीं करेगा, फिर भी वो सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि उसने पहले ही बहुत से वीडियो बोल चुका है कि वो शॉर्ट वीडियो बनाएगा, अपने घर पे जाएगा, वो जमीन खरीद के खेती करेगा, बहुत सी बात है उसकी। और वो चाहता भी नहीं था कि अब वो फिल्म करे, लेकिन इन लोग का था कि वो, और ये लोग भी ये बात जानते थे कि इसको मारना ही
सबसे मतलब वो है, अगर इसको छोड़ दिए तो फिर ये जी जाए, मतलब इसको मारना ही है, ऐसा था इन लोग का। और आलिया भट्ट ने, ये देखिए फोटो इसका, और आलिया भट्ट ने तक इंटरव्यू में बोला भी है, आप इंटरव्यू देखिए जिसमें करण जौहर तीन लड़कों का नाम पूछता है और तीन लड़कों में एक उसका बॉयफ्रेंड और एक और भी रहता है, और इसके नाम में वो किल बोलती है कि वो उसको मारना चाहती है, किसके साथ शादी करना चाहती है, किसके साथ वो सोना चाहती है, और किसके साथ किसका वो मर्डर करना चाहती है, उसमें वो किल करने का बात सुशांत सिंह राजपूत का। और इसका बाप जो है ये महेश भट्ट, ये अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो आप सोच लो, मैं मुंबई पुलिस से सिर्फ यही मांग करूंगा कि इस लड़की का नाको टेस्ट जरूर कराइए प्लीज, नहीं तो ये सुशांत के साथ, इस बच्चे के साथ इंसाफ नहीं होगा। और इसके जैसे लाखों करोड़ों लोग, और जो लोग ये सोचते हैं कि पैसा के बदले तो कुछ भी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो मैं सबको बोलना चाहता हूँ, जो लोग ऐसे अगर पैसा लेके किसी जांच को या अपने फायदा के लिए ये सब करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो आज ठीक है, आज इस ये सुशांत सिंह का केस दब जाएगा या कुछ हो जाएगा, कल तुम्हारे बच्चे भी इसमें आएंगे, वो भी उनके साथ भी ऐसा, और तुम देखते रह जाओगे, ये बात याद रखना। इसीलिए मैं सबसे करूँगा कि ये पुलिस विभाग हो चाहे जो भी हो, ये इसकी जांच करे, और लड़की इसका नार्को टेस्ट होना ही चाहिए। इस फोटो को देख के, जब से मुझे ये फोटो मिला, मुझे कहानी पूरा साफ हो गया कि ये सुशांत सिंह राजपूत को मारने के लिए ही इसके साथ ये सब कुछ हुआ। और जब इसको लग गया कि अब ये खुद से मर जाएगा, इस पे पूरा जो भी तंत्र विद्या था, जो भी खिलाना पिलाना था, सब कुछ कर दिया जब इसने, तो ये अपना बैग सूट लेके निकल गए। और अभी जो है, जो इसके यहाँ काम करते थे, जो लोग जो इनके कुक थे या सर्वेंट थे सुशांत सिंह के, उन लोग को भी पैसा दे के या जो भी करके वो लोग को भी अपने सपोर्ट में ले लिया है बॉलीवुड पूरा वहां का जो माफिया है, और उससे ये खवाना चाह रहा है कि सुशांत सिंह के पास पैसा नहीं था। अरे भाई, सुशांत सिंह के पास पैसा नहीं था, तुम मतलब क्या मैं बोलूं, मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है। चलिए, मैं सिर्फ मुंबई पुलिस से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सीबीआई से विनती करता हूँ कि इस लड़की का नार्को टेस्ट होना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग अगर बच के निकल जाएंगे तो ये मतलब सुशांत के लिए नहीं, किसी बच्चे के लिए, किसी की जिसका भी बेटा हो, किसी के घर का, ये लोग ऐसे अजगर अगर रह गए तो फिर ये ना देश के लिए अच्छा होगा ना समाज के लिए। जय हिंद दोस्तों।